కొని పైకి లేపినందుకు నా కళ్ళ వెంట వచ్చిన ప్రతి నీటి చుక్కకి వాళ్ళు కూడా బాధపడినందుకు जूनियर एनटीआर ने मीडिया से बात करते हुए सलमान खान की आने वाली सबसे बड़ी मूवी सिकंदर को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। जूनियर एनटीआर कहते हैं इस बार सलमान खान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को यह बता दिया है कि सलमान खान अगर किसी मूवी के अंदर आते हैं तो कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है। दोस्तों कहा जा रहा है की इस बार हमें सिकंदर मूवी में बहुत ही ज्यादा तगड़े वाले एक्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। और इस बात को लेकर जूनियर एनटीआर ये कहते हैं की इस बार अगर सलमान खान की एक्शन दमदार सामने आ गए तो हो सकता है बाहुबली और सालार जैसी मूवीज भी पानी भरने चली जाए इस मूवी के सामने। इस बार क्योंकि सिकंदर मूवी ऐसी मूवी होने वाली है जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपने आगे झुका सकती है। और दोस्तों सलमान खान ने हाल ही में आई मूवी सिंघम अगेन में अपना कैमियो करवा के बहुत ही बड़ा स्टेप ले लिया इस मूवी को क्रेज देने के लिए। और दोस्तों जूनियर एनटीआर कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली ऐसी मूवी है जो दुनिया के कोने कोने में से अपना क्रेज हासिल कर पाई है। और दोस्तों सिकंदर का ये रिस्पॉन्स देखकर जूनियर एनटीआर ये कहते हैं कि अगर ऐसे सिकंदर मूवी को रिस्पॉन्स मिलता रहा तो ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख देगी क्योंकि इस बार बाहुबली भी सिकंदर मूवी के सामने नहीं टिक पाई। और दोस्तों सलमान खान भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपनी आने वाली बड़ी मूवी सिकंदर को लेकर। कहा जा रहा है कि सलमान खान दोनों अपने दिन रात एक करके अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमें इस बार सलमान खान एक अलग ही लुक में दिखने वाले हैं। दोस्तों जूनियर एनटीआर कहते हैं कि सलमान खान का सिकंदर मूवी वाला लुक हो सकता है झुक सकते हैं इस मूवी के सामने क्योंकि इस बार सलमान खान एक ऐसा लुक लीड कर चुके हैं जो सारे रिकॉर्ड तोड़ने की मत रखता है। दोस्तों इस बार सिकंदर मूवी हर लिहाज से बॉक्स ऑफिस और साउथ के सारे रिकॉर्ड को झुका सकती है क्योंकि सलमान खान वो एक्टर हैं जिन्होंने अपनी दम पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक अलग ही पहचान बनाई है। दोस्तों इस पहचान को लेकर सलमान खान एक ऐसा प्रोजेक्ट साइन करने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। और इस बार सलमान खान ने भी ये कह दिया है कि इस बार सिकंदर मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल हो सकता है। और जूनियर एनटीआर कहते हैं कि इस बार साउथ की बड़ी मूवीज आ रही हैं जैसे कि प्रभास की आ रही है सालार 2 और बहुत सारी मूवीज भी हमें दिख सकती है। हो सकता है इस बार सिकंदर मूवी प्रभास को भी टक्कर देने की मत रखती है क्योंकि इस बार बाहुबली के भी रिकॉर्ड टूटने पड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप भी सलमान खान की डायरेक्ट वाले फैन है तो एक सब्सक्राइब लाजमी करना, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।